लिंग्विस्टिक में भी है। आप सर मल्टी डिसिप्लिनरी में जाइए, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी, हाँ उसमें सारे ही आ रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी ना, ये देखिए फोर्थ में है, फोर्थ में स्क्रॉल करिए, ये सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में ये ना। हाँ इंटरनेशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ सोशल साइंस, तो सर इसका कैसे क्या प्रोसेस है ये बताइए। इसका ना इसका जर्नल्स का खुद इनका एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जर्नल्स पे जाके उनके ऑथर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पेपर बनाना पड़ता है। जैसे ऑथर जो सर जो भी पेपर आपने बनाया तो कोई एक पेपर डाउनलोड करिए इनके जर्नल उनकी साइट पे जाकर और पेपर कोई भी डालो उस पेपर को अच्छे से रीड करके तो उस हिसाब से फिर आपको पेपर कैसे गाइड करना है लिखना उसके हिसाब से पेपर आपने लिखिए। तो सबसे पहले तो जो जो डाउनलोड करेंगे वो रेफरेंस मान लीजिएगा उस पेपर को और उसको मतलब उसका सामने रख करके, हाँ उसको सामने रख करके उसके सामने रख करके सर मतलब जैसे उसकी फॉर्मेटिंग कैसी करनी है, उसका हमें मतलब तो उसके हिसाब से लेआउट कैसे बनाना है पेपर्स का, टेम्पलेट कैसे बनानी है पेपर्स की, वो सारी की सारी उसकी जो थीम है वो कैसे डिजाइन करनी है। सर ये इस जर्नल पर क्लिक करिए, इस जर्नल इस पर जर्नल पर क्लिक करिए, अच्छा इसकी फीस भी कहीं पर शो होती होगी, फीस आती है ना इसमें आती है सब शो हो जाता है मैम। ऑनलाइन फर्स्ट कांटेक्ट जैसे ये वाले पेपर हैं, देखिए इसमें पेपर देख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि इसकी जो है फीस देखते हैं कितनी है। फीस तो आपको तब मालूम जो पाएंगे, अगर नहीं भी है ना तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे और उनको मेल पे लिखेंगे कि काइंडली सेंड द आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा कोटेशन जो है जर्नल्स का पूरा भेज देंगे मेल पे भेज देंगे। मैम फ्री होके चेक करिएगा, ठीक है लैपटॉप पे चेक करते हैं आज। ये वाला पेपर है मैम पब्लिक बट एक नॉर्मल जो है पेपर लिखने में और स्कोपस का पेपर लिखने में बहुत फर्क होता है, 200 समझ लो 200 गुना मेहनत है। सौ भी नहीं कहेंगे 200 टाइम्स, क्योंकि फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर मेहनत भी बिगड़ जाएगी। क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी किस तरीके से आप लिख रहे हो वो डिपेंड ऊपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे वो एक्सेप्ट भी नहीं करता भले कितने भी चार्जेस हो उनके पेपर के। क्वालिटी अगर आप मान लीजिए नॉर्मल अगर एक महीने में लिख रहे हैं सभी सपोज दैट, तो अगर और अच्छा लिखना चाहें तो उसमें 2-3 महीने लगेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो।